के लिए नहीं, ये है कि ये लोग बेचारे जो अब रजिस्टर्ड खरीदे हैं उनके दिक्कत आ रही है कि जो अवैध परेशानी है, मजदूर जो हमसे कम में ढो रहे हैं, हमें किस्त पूरी नहीं हो पा रही, किस्त कहाँ से देने हम। छोटे बच्चों को रक्षा दे दिए चलाने को, उनके एक्सीडेंट होते हैं, वो चार्जे पूछ देते हैं, परेशानी हो रही है, हमारी मजदूरी हमसे किस्त नहीं दी जा रही। अभी लोग हम लोग फ्री हैं, इस पे हम लोग अभियान चलाएंगे, ठीक है, और अवैध रिक्शा बंद करेंगे, हर हालत में हमारी तरफ से कोई संरक्षण उनको नहीं है, और हम थोड़ी सी मजबूरी है कि उनको बंद करके कहाँ ठूसे हैं जी, इसकी मजबूरी हमारे सामने है। हमने लाउड स्पीकर में अनाउंस करवाया कि प्रत्येक प्रकार से हटा लें, अन्यथा उनका नुकसान होगा, और वो भी कहीं के लाड वो नहीं है कि मतलब बहुत धनपति हैं, वो भी नीचे ही निचले तत्व हैं, वो भी गरीब से रोजी रोटी भी चला रहे हैं, अगर गाड़ी हम पकड़ के बंद करते तो उनका भी रोजी रोटी पे बंद होगा तो गलत है, वो आपके घर में भी गलत है, वो आपके घर में भी गलत है, हमारे घर में गलत है, और वहाँ भी गलत है, तो वो कहीं भी नहीं चल सकते। और वो अवैध तो अवैध है, उसमें थोड़ा भी कम बेसी नहीं होता है, अवैध और वैध बस दो चीजें हैं। और दूसरी बात, जितने आप लोगों के माध्यम से मैं सूचित करना चाहता हूँ कि आप लोगों के जो है अपने वैध होने का प्रमाण हमेशा साथ में लेके चले, ताकि हम आपको मौके पर छोड़ सके। दूसरी बात, आपके माध्यम से